भाई साहब ये हम है बैठे हैं अपने कटारे है। भाई साहब की नई गाड़ी में जय एफ

राम अवतार यादव ये दोनों अपने बेटे का स्टैंड लेना चाह रहे हैं कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करना चाहिए ये सोच रहे होंगे कि नेशनल टीवी को यूज करके शायद अपने बेटे के अराउंड जितने भी रूमर्स फैले हुए हैं सोशल मीडिया पे उन पे कुछ क्लैरिफिकेशन दे पाए खाना खाया होगा नहीं खाया होगा किन हालातों में ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होंगे एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो पे ये न्यूज़ चैनल इनके घर नहीं आ रहे हैं ये समझिए ये माता पिता जो एक बड़ी सीधी सादी जिंदगी व्यतीत करते हैं ये एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो उठ के जा रहे हैं और क्या हो रहा है उनके साथ कुछ ऐसे मीडिया एंकर्स सवालों की झड़ी लगा रहे हैं क्यों क्योंकि उनका एक मात्र उद्देश्य है ये नहीं इस मामले में सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे बस इसलिए कि उनको ऐसी कुछ न्यूज मिल जाए जिससे वो सुर्खियां बटोर सके जिसको वो ब्रेकिंग न्यूज बना सके और ऐसी एक ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आई है जहां एलविश यादव के पिता ने बोला बाप सवाल होता है

पर एक बात तो तय है ये जो बोला ना घर गाड़ी घड़ी सब लोन पे है, ये ये बड़ी अच्छर बात अगर सही है तो कब आसमान में उड़ते उड़ते कब कोई नीचे गिर जाए पता ही नहीं चलता अलविश को देखकर कुछ ऐसे ही लगता है ना बिग बॉस ओटीटी टू जीतने के बाद कौन सोच सकता था कि जिसको इतना फेम मिल रहा है जिसको इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है वो एक साल के अंदर अंदर एक कंट्रोवर्सी से दूसरी कंट्रोवर्सी में फंसता चला जाएगा मतलब इंसान को अगर पहले पता चल जाए कि ऐसा कुछ होने वाला है तो कहीं कहीं ना आप कही आप अपने को प्रिपेयर कर लेते हो हल्की सी डायरेक्शन थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाए तो आप अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं सॉर्ट कर सकते हो मैं खुद बहुत क्यूरियस था अपनी लाइफ को लेकर क्योंकि सोशल मीडिया का काम मेरा पैशन है पर मैं ये वैलिडेट करना चाहता था मैं क्लैरिटी लाना चाहता था कि सही है नहीं पर इसके लिए एक विद्वान की जरूरत होती है राइट तो मैंने एस्ट्रोडॉक ऐप को डाउनलोड किया देखो मैं

मेरे करियर से रिलेटेड मेरी मेरी जो पर्सनल इश्यूज मैं फेस कर रहा हूँ उससे रिलेटेड सब पूछ डाले अरे देखो डाउट्स और इश्यूज तो लोगों की लाइफ में आते ही रहते हैं और रिलेशनशिप में हो तो ये जानना होता है कि लॉन्ग टर्म का सीन क्या और सिंगल हो तो ये जानना होता है कि मेरे रिलेशनशिप में कब आओगे और किसके साथ जॉब कब लगेगी इंक्रीमेंट कब होगा सेटल कब हो गए ये सब सोच के आप परेशानी हो जाते हो ना चलो मैं एक काम कर देता हूँ मैं एस्ट्रो टॉक ऐप का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ वहां से डाउनलोड कर लो पहली चैट भी फ्री मिल जाएगी क्योंकि जैसे एलविश के पिता ने बोला घर गाड़ी घड़ी सब कुछ तो भी है ये ये सच्चा है झूठे उस पर आते हैं पर ये लाइफ के सर्कमस्टेंसेज किसी के भी कभी भी बदल जाते हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड और थोड़ा सा लर्नड रहना बहुत ज़रूरी है अब चलते हैं लौटते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं बात करते हैं कि क्या लगता है कि जो पिता एलविश के हैं उन्होंने ये सही बोला क्या एलविश की पोल खोल दी क्या एक्सपोज कर दिया उसको या वो बड़े मासूम हैं उन्होंने बोलना कुछ चाह रहे थे वो अपने बच्चे को डिफेंड करना चाह रहे थे पर जो सवाल हैं टेढ़े मेढ़े सवाल या उस सिचुएशन में खाया होगा पिया होगा क्या किया होगा क्या नहीं होगा कौन क्या कह रहा होगा किसने क्या बोला होगा क्या बोलना क्या नहीं बोलना ऐसा भी लग सकता है इसके दो पहलू हैं ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ये सोचा हो कि शायद बहुत सारी पेनल्टी देनी पड़ेगी यार लोगों को लगेगा कि ये तो बड़ा अमीर है ये तो ये तो अमीर लौंडे होते ही ऐसे हैं इसने तो बड़ा कमाया है स्नेक वेनम के बिजनेस से तो हमें ऐसे ही दिखाना है कि भाई अलविशन तो कुछ खास कमाया नहीं है शायद इस इनोसेंस में इस मासूमियत में उन्होंने ये बोला हो सिर्फ से ही चल रही थी आपका घर हाँ जी नहीं मैं मैं जॉब करता हूँ मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ अच्छा एल्देश यादव के, तो 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 के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं गुड़गांव में उसके पास कई बड़े बड़े फ्लैट्स हैं डुप्लेक्स हैं। आप, आपने देखे सही आपके पास कोई घर नहीं है यादव के पास कोई घर नहीं है कोई लग्जरी गाड़ी नहीं है आपके पास लग्जरी गाड़ी मैडम लोन पे गाड़ियां लोन गाड़ी है लग्जरी की लोन पे गाड़ी है लग्जरी की गाड़ी लोन पर है हाँ जी

कि भाई एलविश ने तो कुछ नहीं कबूला जैसे मीडिया सोर्सेस कह रहे थे कि भाई एलविश ने तो कबूल लिया कि वो स्नेक वेनम की सप्लाई करता था तो उसके पिता ने बोला नहीं मेरी उससे बात हुई उसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला तब लोग बड़े हेपोक्रेट की तरह ये बोल रहे थे कि पिता की बात क्यों मानोगे वो तो उसको डिफेंड करेंगे और आज सभी लोग उसी पिता की बात मान के कह रहे हैं एलविश एक्सपोज

बताने में कोई संकोच भी नहीं है कि वो लोगों के लिए नहीं होगी वो के लिए, लेकिन वो सेकंड हैंड गाड़ी भी काम होता है सेकंड हैंड गाड़ियों का वो अपनी वीडियो में परचेज के लिए तो ना दिखाने के लिए तो एक दो महीने के लिए करता है जो भी उनका किराया देता है मुझे नहीं पता है फिर आप दूसरी क्योंकि नई चीजें चाहिए शायद वो ये सोचता है कि पब्लिक को नई चीजें चाहिए पर जैसे मैंने कल बोला जब तक आप एलविश से ना सुन ले और जब तक कोई ऑफिशियल सोर्स से पुष्टि ना हो जाए तब तक आप किसी बात को यकीन नहीं कर सकते स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ एनवायरमेंट जहाँ वो एक न्यूज़ रूम से दूसरे न्यूज़ रूम में जा रहे हैं किस सिचुएशन में क्या सोच के उनका उनका मेंटल बैलेंस क्या सही होगा क्या वो नहीं चाहेंगे कि अपने बच्चों को इसी तरह भी डिफेंड करना तो मुझे लगता है ऑफिशियल सोर्स और पुलिस की पुष्टि की की बहुत ज़रूरत है ऐसी चीज़ों में ये मीडिया की सुर्खियाँ और ब्रेकिंग न्यूज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एंड स्पेशली इन दिस कैंड ऑफ केस जहाँ बात हो रही है कि उसका जो लग्जूरियस लाइफ स्टाइल है या उसने दुबई का भी घर बनाया है उसने गुड़गांव में भी उसका घर बन रहा है वो उसका खुद का है नहीं जैसे उसके पिताजी ने बोला ये उनका है पर उसकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी वो रेंट पर खरीदता है तो तो जब तक इसके पेपर्स को ना देखा जाए या अगर लोन है तो लोन की स्टेटमेंट ना देखी जाए तो हाउ ड यू नो वट इज ट्रूथ बट हाँ अगर ये सच है तो बहुत गलत है और वैसे भी ये बस एलविश की बात नहीं है हमारा जो व्लॉगिंग कल्चर ही है ना जो 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 बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है और अब इंडिया में आ गया है वहाँ हर एक व्लॉगर जो लग्जरी दिखाता है रिव्यू जो करते हैं वो ठीक है जो रिव्यू कर रहे हैं कोई चीज़ शेयर करके चाहे वो घड़ी हो चाहे फोन हो चाहे घर हो चाहे कोई ट्रैवल एक्सपीरियंस हो मैंने गौरव चौधरी की बहुत वीडियोज़ देखें टेक्निकल गुरु जी के ही रिव्यूज़ इट ठीक है वो चलता है और जब जब कोई भी इनमें से चाहे गौरव चौधरी हो चाहे कोई और ब्लॉगर हो अगर आप उसको एक्सपीरियंस दिखा रहे हो एज एक्सपीरियंस अपनी अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे हो पर कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर हैं जो बस इस लग्जरी को दिखा के जीते हैं और इमेजिन करिए अगर वो फेक हो तो वो कितना गलत इफेक्ट डालता है और फेक हो या जनमन हो लग्जरी दिखाना व्लॉग्स में पूरे टाइम आपका कंटेंट यही है कि अगर आप लग्जरी दिखा रहे हो लग्जरी दिखा रहे हो तो वो गलत है आप प्रिगढ़ इंसान फुकरा इंसान इन लोगों के व्लॉग्स देखिए इन लोगों के व्लॉग्स देखोगे गौरव तनेजर के व्लॉग्स देखोगे फैमिली वैल्यूज़ पता चलेंगे सौरभ जोशी के व्लॉग्स देखोगे फैमिली वैल्यूज़ पता चलेंगे मुंबई कर निकल के देखोगे फैमिली वैल्यूज़ पता चलेंगे बच्चों के साथ कनेक्ट अपनी बीवी के साथ कनेक्ट अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट बाइकिंग ट्रिप एडवेंचर्स वो सब ठीक है पर अगर आप बस लग्जरी दिखा रहे हो मैंने ये खरीदा मैंने ये गाड़ी खरीदी मैंने ये घड़ी खरीदी मैं आ गया समथिंग लाइक लोगन पॉल हाउ ही यूज़ टू डू हिज ब्लॉग्स देन देर इज़ सीरियसली ए प्रॉब्लम बिकॉज उससे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखता है बिकॉज जब आप ओपलेंस अबंडेंस वेल्थ हर ही देखते रहते हो ना तो आपके दिमाग पर गलत इंपैक्ट पड़ता है इट क्रिएट सोशल कंपेरिजन थ्योरी जो जो बच्चे नरेंद्र ये देख रहे हैं उनको कहीं ना कहीं गलत इन्फ्लुएंस होते हैं वो अपने फाउंडेशन पे काम करने के बजाय उनको लगता ये है यही है यही है तरीका इसने भी तो किया है इसने भी तो इतने पैसे कमाए हैं ये करके तो पैसे कमा लेंगे अपनी फाउंडेशन पे काम नहीं करते ये सब शुरू कर देते हैं उनको लगता है यही रिच होने का शॉर्टकट है पर उसके पीछे का जो मेहनत है वो लोग दिखाते नहीं हैं या वो ये नकली होता है तो वो दिखाएंगे भी कैसे और आप उसको देख के गलत इन्फ्लुएंस होते हो तो ये बहुत गलत है फिर देर इज समथिंग कॉल्ड एज सोशल कंपेरिजन थ्योरी अगर आप बार बार किसी के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो सबकी लाइफ डिफरेंट होती है सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है अगर आप अपने को उसके साथ कंपेयर करो तो आप जितना भी अचीव कर लो आपको कमी लगता है तो बिकॉज आप औरों की हायर अचीवमेंट देखते हो औरों की ज्यादा लग्जरी देखते हो तो आपको अपनी लग्जरी कम लगती है जो कि अगेन इट कीप्स यू डिप्रेस इट कीप्स यू डिमोरलाइज्ड और ये ये सही तरीका नहीं है जिंदगी जीने का और 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 लाइफ में वैसे भी बस मटेरियलिज्म थोड़ी एक चीज़ लाइफ में बहुत कुछ है करने को बस बस मटीरियलिस्टिक गेंस इज़ नॉट वट यू शुड एम फॉर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी एक नाम की चीज़ होती है अपने अंदर भी झाकना बहुत जरूरी होता है अपनी वैल्यूज़ के साथ जीना भी बहुत जरूरी होता है जब आप ऐसे ब्लॉग्स देखते हो तो आप कहीं ना कहीं इसी मटीरियलिस्टिक दुनिया में कहीं खो जाते हो और आपकी लाइफ के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज बस इस मटेरियलिज्म के ही अराउंड बन जाते हैं विच इज़ रॉन्ग मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर कोई ऐसे लग्जरी व्लॉग्स दिखा रहा है और उसके व्लॉग का पूरा कंटेंट ही लग्जरी 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 दिखाना है लग्जरीस लाइफ स्टाइल ग्रैंड लाइफ स्टाइल दिखाना है तो ऐसे व्लॉग्स को तो देखना छोड़ ही दो और उसमें कुछ वैल्यू नहीं पता चल रही तो ऐसे लोगों को तो देखना ही छोड़ दो और यू नेवर नो अपने को कंपेयर करना तो बिल्कुल छोड़ दो बिकॉज यू नेवर नो वो फेक है या जेनवन है तो एलवेश यादव फेक करता है या जेनवन है मुझे लगता है वो बड़ा सवाल नहीं है बड़ा सवाल ये है कि आप कितना टाइम औरों की ये जिंदगी देखकर खुद अपनी जिंदगी जीना भूल जाते हो सवाल ये इसी सवाल के साथ आपको छोड़ूंगा इस वीडियो में ऐसे ही डेली वीडियोस में डेली रिएक्शन में आपके साथ मिलता रहूंगा और कल एक इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है उसकी वेट करना और सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन दबा देना जिससे आपको जैसे ही वो वीडियो आए नोटिफिकेशन आ जाए आप देख रहे हैं पीपो मैं हूं काश अब कुछ नहीं छुपेगा